बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में आज 17 जिलों के सभी 94 सीटों के लिए मतदान का समय अब समाप्त हो गया है। इसमें दो सीएम पद के दावेदार और कई दिग्गज समेत 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब किसकी किस्मत में विधानसभा की कुर्सी होगी, इसका फैसला 10 नवंबर को चुनाव परिणाम के दिन ही होगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज के 2130 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। जिला प्रशासन के बयानानुसार 5 विधानसभा क्षेत्र में 10.1% मतदान दर्ज किया गया। मीनापुर, पारू और साहेबगंज में शाम 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था। इस दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन किया गया। 5 विधानसभा क्षेत्र में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 10 महिला समेत 30 मॉडल बूथ भी थे। मॉडल मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा पूरे उत्साह और उमंग में मतदान करते दिखे। कांटी में ट्रेन के डिब्बे के मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए थे, जो आकर्षण का केंद्र था। जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं हेतु थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, मास्क और एक हाथ में ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कांटी में मामूली झड़प की सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं बरूराज के बूथ संख्या 178 पर मूरसंडी पंचायतवासी ने बूथ का बहिष्कार किया और बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी को सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों की शिकायत को सुना और उसके निदान हेतु आश्वासन दिया और मतदान करने की अपील की, जिसके बाद देर शाम लोगों ने मतदान प्रारंभ किया। मीनापुर के एक मतदान केंद्र पर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर 85 वर्ष वृद्ध ने उनके क्षेत्र में विकास न होने को लेकर बदलाव है तो वोट देने की अपील की, वोट देने की बात कही। पारू, साहेबगंज और कांटी में भी मतदाताओं ने लोकतंत्र की इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता निभाई। मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने वाले में वयोवृद्ध जनों की संख्या भी दिखी। किसी ने बदलाव के लिए मतदान करने की बात कही तो किसी ने युवा नेतृत्व के लिए मतदान किया तो किसी ने विकास के नाम पर वोट किया। और जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। 3 बजे जो मतदान शुरू हुआ उस समय 10% उसका परसेंटेज था और ये देर मतलब वो जब तक चलेगा आ गया उस सबका हो गया। बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100.2% हुआ है। 97 पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60.00% हुआ है और 98 साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 56.52% हुआ है। जब पिछले डाटा से हम लोग तुलना करें तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने पिछले डाटा को अचीव कर दिया। जो 4% है इसके तहत आप लोगों के द्वारा चलाया गया अभियान जो है धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के सक्रिय सहयोग से ही, मीडिया बंधुगणों के सक्रिय सहयोग से ही इस समय में हम लोग इतना अच्छा पोल परसेंटेज प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं। और हो सकता है जब फाइनल तैयारी अफसर की तैयारी स्कूटनी हो उसके बाद जो दोनों का एक्चुअल पोल परसेंटेज हो तो वो हो सकता है इससे भी अधिक बढ़ सके। अभी तो हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट किया है, फाइनली जो हम लोगों को कंट्रोल रूम रिपोर्ट आई है उस आधार पर दिया है। मोटा मोटी यही देखा गया कंट्रोल रूम का परीक्षण जो होता है वो लगभग सही होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर वेरिएशन हो सकता है। अभी माइनर वेरिएशन होगा, अभी वेरिएशन की बात नहीं है। मिलन चुनाव के आधार पर अभी हम लोगों ने इसी कारणों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है, जिसमें काफी कंपेटिटिव फिगर भी दे दिया गया है। अलग पिछले दो चुनाव विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का अपेक्षा जो है इस बार का उन्होंने वोटर टर्नआउट रिपोर्ट आपको दे दिया 60.01% हम लोग का हुआ। आज भर्ती में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई और पूरे जिले में ये पांचों चरणों में जो है पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग का स्वच्छ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। कंट्रोल रूम में भी कोई बहुत ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आया। हम समझते हैं इस बार का चुनाव में सबसे कम कंप्लेंट आया, जो माइनर कंप्लेंट था नथिंग मोर देन दैट, उसमें मैक्सिमम यही था कुछ ईवीएम रिप्लेस हुए थे, काम करना बंद कर दिया था। टोटल जो अभी हम लोगों के पास ईवीएम रिप्लेसमेंट का आंकड़ा है जो अभी तक जो अभी डिफरेंट लोगों से आया है मॉक पोल के समय में अभी तक जो आंकड़ा है जो फाइनल से चार्सेस का रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम का आंकड़ा होगा वो 56 वीओ जो है मॉक पोल के समय बदले गए हैं, 26 सीओ जो है मॉक पोल के समय बदले गए हैं और 61 वीवीपैट जो है मॉक पोल के समय में बदले गए हैं।
रिप्लेसमेंट जो ड्यूरिंग कोविड के समय में हुई पूरे जिले में, मतलब पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मिला के कुल 18 जो है वीयू 10 सीयू और वीवीपैट 45 जो है हमारे, वो उस समय में खराब हुए जिसके बारे में सुरक्षित से हम लोगों ने उसको फिजिक करके रिप्लेस किया। ये सेक्टर ऑफिसर्स के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, जो कंट्रोल रूम में फाइनल फिगर आया था उस रिपोर्ट के उस फिगर्स के आधार पर हम लोगों ने ये फिगर आपको बताया है। डीएम साहब का नहीं आने का आज का जो मुख्य भी जो हम लोगों का है बार बार की और कुछ नहीं, इससे पहले जितने भी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने शेयर करी या की है 0.9%। कांटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 61.43%, बौराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 61.02%, 97 पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7.00%, और साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 56.52%। टोटल डिस्ट्रिक्ट एवरेज जो है इस दूसरे चरण का 60.01% वोटर टर्न आउट कर। एक कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी झड़प की बातें आ रही थी, उस पर कुछ सूचना आप लोगों से इस संबंध में डीपीआरओ साहब आपको ब्रीफ कर देंगे। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।